नमस्कार। ओकिनावा पर जेंस कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन में आपको चैंपियन मिल चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया को 209 रनों से रौंदते हुए पहली बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पहली बार विजेता बना था न्यूजीलैंड, तो दूसरी बार की विजेता है ऑस्ट्रेलिया टीम। लेकिन एक समानता, दोनों ही बार उपविजेता रही है टीम इंडिया। अब मैच तो खत्म हो चुका है और शुभमन गिल का जो दूसरी पारी में डिसमिसल था, जिस तरीके से कैमरून ग्रीन ने कैच लिया था, उसके ऊपर विवाद जो हो रहा है, काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। एम्पायर्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, थर्ड एम्पायर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। खुद रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा था कि बहुत जल्दी फैसला दे दिया गया था। IPL में तो ऐसा नहीं होता, 50 कैमरे लगे होते हैं, आपको अलग अलग फ्रेम से चेक करना होता है, लेकिन एम्पायर का जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। लेकिन अब आप सभी को पता होगा कि मैच के चौथे दिन ही जब मैच खत्म चल रहा था, उस समय शुभमन गिल ने ट्वीट कर दिया था और कैच को लेकर अपनी टिप्पणी की थी। उसे ICC ने बख्शा नहीं है और ICC ने उन पर 15% मैच फीस का 15% उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। यही नहीं, टीम इंडिया को भी धीमी ओवर गति के कारण 100% मैच फीस कटेगी उनकी। तो यानी कि शुभमन गिल गलत तरीके से आउट भी हुए, जो उनका मानना है। हालांकि कैमरून ग्रीन और पैट कमिंस का मानना कुछ अलग है। उनका कहना है कि देखिए, जो एम्पायर का फैसला है वही सही होता है और उंगलियां नीचे थी, बार बार तर्क वही दिए जा रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल के ऊपर पहले तो उनको गलत तरीके से आउट दिया गया और अब 15% उनकी मैच फीस काट ली गई है। तो ये बात अब तक है। वहीं सहवाग से लेकर हरभजन सिंह या रवि शास्त्री, सबका ये मानना है कि देखिए, ये आउट नहीं था, जो बॉल है जमीन पे लगी थी। अब क्या शुभमन गिल पे जुर्माना लगाना सही है? टीम इंडिया के ऊपर तो चलिए धीमी ओवर गति है, वो ICC का नियम है, लेकिन गलती शायद शुभमन गिल की भी थी, क्योंकि मैच के बीच में ट्वीट करना बहुत सारे क्रिकेटरों को वैसे भी रास नहीं आया था। कईयों ने कहा था कि अभी मैच चल रहा है, इस बारे में बयानबाजी से बचना चाहिए था। लेकिन शुभमन गिल, आप सभी को पता है, युवा है और युवा बल्लेबाज कई बार ऐसी गलती कर देते हैं। तो शुभमन गिल की कैच, पहले उनकी कैच गई, अब जुर्माना लगा। वहीं अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले पारी में 469 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 296 रन पे सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में बनाता है 270 रन, डिक्लेयर कर देता है, भारतीय टीम को टारगेट मिलता है 444 रनों का और वहां से टीम इंडिया केवल 234 रन बना पाती है और आखिर में उन्हें 209 रन से हार का सामना करना पड़ता है। तो अब क्या गिल पर जुर्माना लगाना सही था? आपको क्या लगता है कि जो ग्रीन की वो कैच थी वो सही थी या नहीं थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको देश और दुनिया की तो खबर देखने को मिलती है। इसके अलावा पूरे WTC हमने आपको ओकिनावा पर जेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन में एक से बढ़कर एक स्टोरी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।